अंदर से ही घूम जाएंगे। अंदर कितना टिकट? दस का पुल में भी जाना है ना। हाँ दस का पुल, दस का पुल बोलते हो दस का पुल। इधर से चलेंगे, कुछ खा नहीं लगा कि मुझे बहुत भूख लग रहा है। आज करेंगे चलो, इधर से तो उधर से खा लीजिएगा ना, तो वजन बढ़ेगा। ईट का फोटो खींचे ना, ईट का खून मिल जाए, खींच रहा है उसका। ईंट यहाँ का थोड़ा कटा हुआ लग रहा है, ईंट का पतला पतला सा काट के बनाया है ईंट किसी पत्थर का। अरे वो वीडियो हमारा दिखाया सकते हैं हाई गैस के नाम पर। काफ़ी अच्छा यार बना हुआ है शीश महल के लिए। अच्छा ये शीश महल है, धर्मशाला निर्माण क्षेत्र प्रवेश निषेध। यार एक नंबर का चीज़ बना होगा। मुझे तो लग रहा है भाई मैं तो ट्रैवलिंग ज्वाइन कर रहा हूँ छोड़ के, और करीब 2 साल तक करूँगा, उसके बाद सारी चीज़ें कलेक्ट करूँगी। कैमरा, बाइक और एक यूनिक स्कूटी, एक आती है सिंगल व्हील वाला, उसके अंदर घूमा जाएगा हर जगह जहाँ भी जाना है। पेड़ दोस्त यहाँ पे खेती करते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे देखा है सारे लोग ना खेती, क्या पहाड़ी इलाका है पूरा नेपाल का, तो लोग जहाँ पे घर बना लेते हैं उसी के आसपास खेती के लिए सारी सब्जियाँ कर लेते हैं, खाने के लिए एग्रीकल्चर जैसा होता है खुद के लिए कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ होता है जैसे अपने होता है इसी में ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका कुछ सिटी भी है, नेपाल को ना पूरा घूमना चाहिए, उसी दिन प्लान करेंगे पूरा घूमना। मैं पूरा ट्रैवलिंग ही ज्वाइन कर रहा भाई, ट्रैवलिंग बहुत मज़ा आता है यार घूमने में। शीश महल काफ़ी अच्छा है, ये गुरकुल टाइप का है, छोटे छोटे बच्चे हैं। शीश महल गुरकुल है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग काफ़ी सुंदर हैं भाई, है ये फोटोग्राफी भी चल रहा है इधर तो। मगर अब ये तो उसके अंदर जाना है नारायण मंदिर, चलते हैं अंदर चलते हैं, थोड़ा बाहर का व्यू ले ले। मजे वाला व्यू तो रह ही गया अपना, एक बाहर का ले लिया जाए नज़ारा, उसके बाद अंदर भी चला जाएगा। काफ़ी अच्छा है, और क्या नाम है चटू? नाम तो पाठक है। पन्ना पन्ना है वो। अच्छा पन्ना बोलते और 2 साल के बाद मैं तो भाई कैब छोड़ रहा, उसके बाद फुल टाइम ट्रैवलिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। नेसेसरी सारी इकट्ठी कर ले बस, उसके बाद यार ये कितना होता है
मुझे पता नहीं, मुझे गुरुकुल टाइप का है, तो गुरुकुल में जो लोग रहते हैं वो लोग की याद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ सफाई का भी इधर सब जगह ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इस महल के अंदर ही जाना पड़ती है अभी। हाँ बोलिए, अभी चल तो रहे हैं हर जगह, हर जगह चलो। क्या नाम है छोटू? बोलेंगे रहा छोटू तो इधर नीचे जा लिया है थोड़ा नीचे भी। हर जगह फोटोबाजी चल रही है, नीचे चलना है। फोटो तो इसी से हो जाएगा मेरा तो क्लिक। मुझे खाली पोस्ट देना। बहुत बड़ा है नीचे चलो, नीचे चलो, चल रहे हैं नीचे। इधर ये गंडक नदी भाई आती है यार, स्प्रिंग ब्रिज भी याद रही होगा, पीछे है थोड़ा। हेलो बाबू, क्या नाम है? प्रतिदार। हिंदी आती है? अभी तो बताया नाम हिंदी में। यहाँ पे क्या करते हो, स्टडी पढ़ाई करते हो गुरुकुल में? क्या करते हो बताओ? पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये क्या होता है, काम भी होता है, साफ सफाई। अभी कौन सी क्लास में हो? सेवन क्लास में हो। आपका घर मेरा है यूपी में, भारत, ये नेपाल है ना, यूपी मेरा है, इंडिया में, इंडिया इंडिया। हिंदी आती है? आती है। इंग्लिश? वो भी आती है इंग्लिश भी, बढ़िया। हाँ श्री राम की धरती है वो। यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? अंदर अंदर रहते हो? हाँ हाँ। अच्छा सबका अलग अलग रूम है। अच्छा काफ़ी अच्छा है यार, वो लोग आपस में यहाँ पे स्टडी करते हैं गुरुकुल में, और स्टडी के करने के साथ साथ ये सफाई भी मेंटेन करके रखते हैं सारे यहाँ का पूरा। अच्छा फीलिंग है यार, यहाँ पे अपन का जन्म क्यों नहीं हुआ भाई। यूट्यूब वगैरह देखते हो? यूट्यूब उसमें आओगे अब, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, कुछ बोलोगे? वायरल होंगे, वायरल हो जाओगे। वायरल हो जाओगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। डेली डेली सुबह ये उठ के स्कूल में क्या क्या होता है पढ़ाई बताओ? पहले सुबह उठ के और संध्या होता है, उसके बाद ऊपर पाठ होता है। अच्छा। और आरती है। आरती होता है, आरती में साथ होते हैं। और पढ़ाई वगैरह क्या होता है? इसके वेद होता है, इंग्लिश होता है, रुद्री होता है। अच्छा। नेपाली होता है। हाँ। गरीब होता है। अच्छा। उसके बाद गरीब
अच्छा कर्मकांड सबसे जो पास है, ये सारे वेद पढ़ाए जाते हैं? वेद और रुद्री यहाँ पे पढ़ाई होता है और बाकी सब कुछ स्कूल। अच्छा वेद और इसका और बाकी स्कूल में क्या क्या होता है पढ़ाई? इंग्लिश, नेपाली, गणित,